हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम टेबल्स को प्रिंट कराने के बारे में और टेबल्स भी कैसे हमें प्रिंट कराने हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऐसे ही जैसे कि हमने सी लैंग्वेज स्टाइल में सीखी थी। तो ये पाइथन में कैसे करेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। और यहाँ से पाइथन की जो आइडियली है उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से न्यू पेज ले लेता हूं मैं और यहाँ पर हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूं नम नाम से, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी जिस भी जहां से भी टेबल स्टार्ट करनी है, जैसे मान लीजिए मुझे 4 से स्टार्ट करनी है तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। फिर एंटर किया हमने और यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ रेस्ट नाम से, ठीक है, और इसमें स्टोर करा दिया हमने 1, ठीक है। फिर एंटर प्रेस किया हमने और अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर लूप। तो यहाँ पे फॉर लूप लगा लिया और एक वेरिएबल और आई बना लेते हैं हम, आई इन रेंज ये कर लिया हमने। और यहां पर 1, 11, ये आप चूंकि पता है आपको कि रेंज जो फंक्शन है वो हमें 1 माइनस यानी 11 लिखा हमने तो 10 तक ही प्रिंट करेगा ये वैल्यूज, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ 11 दे दिया हमने और यहां पर लगा दिया कोलन। फॉर लूप के बाद कोलन लगाते हैं जैसा कि आपको पता ही है। अब यहां पर क्या करना है, रेस, ठीक है, ये जो वेरिएबल हमने बनाया इसको ले लीजिए, इज इक्वल टू नम, नम बनाया था और मल्टीप्लाई कर दीजिए आई से, ठीक है। और एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर प्रिंट दे देते हैं हम, प्रिंट यहां पर प्रिंट दे देते हैं। और यहां पर क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल बनाया था नम वो दे देंगे और कॉमा देने के बाद हमें बीच में इंटू का साइन चाहिए, ठीक है, तो वही साइन हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये इंटू का साइन ही है, ठीक है। कॉमा देंगे और यहां पर आई कॉमा, फिर एक बार कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद इज इक्वल टू भी तो प्रिंट करवाना है, तो जो प्रिंट करवाना है वो यहां पर दे दें आप, ठीक है। तो कॉमा दे दिया और फिर यहां पर प्रिंट करवाना इज इक्वल टू, तो डबल डॉट कॉमा में या सिंगल डॉट कॉमा में यहां पर लिख दीजिए इज इक्वल टू, जो भी प्रिंट करवाना वो लिख दीजिए। तो एक बार हमें इंटू का साइन प्रिंट करवाना है, इंटू के साइन के लिए हमने लिख दिया एक्स, ठीक है, और उसके बाद हमने इज इक्वल टू दे दिया और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद आपको कॉमा देना है और रेस यहां पर लिख देना है, बस आपका प्रोग्राम बन गया है। अब यहां से इस प्रोग्राम को करता हूं मैं सेव, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं, कहीं भी सेव कर सकते हैं, ये डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूं। ये यहां पर टेबल के नाम से सेव करता हूं इसे, टेबल डॉट पी वाई, ठीक है, ये टेबल डॉट पी वाई कर दिया हमने। और यहां से इंटरफेस किया, यहां से ओके किया और यहां से आप इसको रन करवाते हैं तो ये देख सकते हैं 4 की पूरी टेबल यहां प्रिंट होकर आ रही है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अगर आपको 5 की टेबल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ इतना करना होगा यहां पे नम जो हमने नम में जो वैल्यू स्टोर कराई है, अगर 5 में कर देता हूं तो ये 5 का टेबल प्रिंट करेगा, कैसे ये देखिए, यहां पर मैंने कर दिया, अब इसको रन करवाता हूं तो ये देखिए पूरा का पूरा 5 का टेबल प्रिंट कर रहा है ये, ठीक है। इसी तरह से कोई और भी टेबल आपको प्रिंट करानी हो, जैसे मान लीजिए 17 की टेबल प्रिंट करानी हो, ये तो 5 का हो गया, ठीक है, 17 की प्रिंट करानी हो तो आपको यहाँ 17 बस लिख देना है, ठीक है। और यहां से आपको फाइल पे जाकर सेव करना है और फिर यहां से रन करवा दीजिए 5 प्रेस करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 का भी टेबल प्रिंट होकर आने लगा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।